नीति वाला भारत। गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करूंगा अच्छे खासे बढ़िया होंगे। तो गाइस, सुबह का वक्त है और अभी बस मैं निकला हूं चंबा के लिए यार। 6 हुए अभी और अभी जाना है हमें जल्दी से, 6:30 बजे नीचे से बस जाती है। तो अभी मैं घर में था बस। चलो चलते हैं यहाँ से फटाफट सीधे सड़क में, मिलता हूँ। तो दोस्तों, सड़क में पहुँच गया यार, बड़ी ऊपर से ना दौड़ते हुए आया। तो आज 13 अक्टूबर और आज के दिन मैंने आपको बताया था कि चंबा में है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली और आज के दिन ही करवा चौथ। तो सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस यार, अभी मैं सड़क में पहुंचा, अब देखते हैं चंबा जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी चंबा आने के बाद चंबा के लिए क्या क्या उपहार देकर जाते हैं, किन किन चीज़ों का शिलान्यास करते हैं और भी कई सारी चीज़ें और भी कई सारी बातें जो आपको इस ब्लॉग में देखने सुनने को मिलेगी। तो गाइस बने रहो इस ब्लॉग में एंड तक। और फिलहाल अभी बस आती है तो हम चलते हैं चंबा सीधे, नहीं तो लेट हो जाएगा काफ़ी। तो ये रही सामने से अपनी बस से समय जाने वाले गाइस यार, खाली है अभी तो फिलहाल। तो दोस्तों यार, अभी पहुंचे यहाँ कोटी ब्रिज के पास। आपने देखा था मेरे ब्लॉग में, यहाँ से हादसा हुआ था ना, पीछे दिख रहा है वो पहाड़ जो सरक गया था एकदम से। तो अभी यहाँ पहुँचे, यहाँ पे उतर गया मैं बस। ये सुंडला से वापस आएगी तो फिर यहीं से हम चढ़ जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे उतर गया और अभी धूप निकली ना बस में, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी मतलब। तो यार सरकारी बसें जो है ना HRTC की, इतनी ज़्यादा है, हर मोड़ के ऊपर 2-3 बसें लगी हुई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा 100-150 से ऊपर बसें हमारी तरफ आई हुई है। थोड़ी इस तरफ है, थोड़ी तेल का साइड, थोड़ी सलूनी साइड, तो हर जगह बस ही बसें हैं सरकारी जो फ्री में है। उसमें ट्रैवल करेंगे आप चंबा से घर, घर से चंबा, तो सब फ्री है। कोटी ब्रिज के पास है, ये वो पहाड़ था जो नीचे खिसक गया था एंड इस तरफ से आए हम अभी। ये डलहौजी वाली साइड है, लिचोड़ी साइड, और यहाँ गई है बस हमारी, ये है सुंडला साइड। तो अभी जाना है हमें यहाँ चंबा की तरफ। तो काफ़ी सुंदर ब्रिज है ये और काफ़ी लंबा, भयानक भी। यहाँ से नीचे दिखाऊँ मैं आपको, तो ये देखो नीचे गहराई और पानी देखो शांत एकदम अभी। तो दोस्तों आधे ही रास्ते में बालू से पीछे उतार दिया गया है, यहाँ से आगे कहा कि बस नहीं जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अब हम सब भाई जितने भी थे साथी हमारे सब पैदल जा रहे हैं आगे। तो सिक्योरिटी है जगह जगह भाई, काफ़ी सख्त ऐसे प्रोग्राम है पूरा, आगे दिखाता हूँ मैं आपको अब। तो दोस्तों बालू ब्रिज के पास पहुँच चुके हैं, पुल को देखो किस तरह से सजाया गया है, सजाया गया है झंडे ही है BJP के सारे, लेकिन फिर भी सुंदर लग रहा है चंबा की शान ये पुल। और एक आगे शीतला ब्रिज, तो यहाँ देख सकते हो आप गजब का पुल एकदम से। तो सिक्योरिटी को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रावधान है यहाँ पे यार, होगा भी कैसे नहीं, वैसे देश की संपत्ति प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो अभी तो काफ़ी दूर है, बालू में ही पहुँचे हैं, अब जल्दी से धूप में पहुँचना पड़ेगा ना भाई, ठंड लग रही है मुझे यार। सुबह जैकेट वगैरह कुछ लगाया नहीं, तो अभी बस चलते हैं फटाफट से, हम दूसरे ब्रिज से क्रॉस करके पार जाएंगे और फिर आगे चलते चंबा। तो दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड तक बने रहो गाइस यार, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ कर दो जितना हो सकता है। आज शहर इतना साफ दिख रहा है, मैं बताऊं सड़क के ऊपर नीचे कहीं भी एक कागज़ का टुकड़ा तक नहीं है यार, और बसों का शहर में आना अलाउड ही नहीं है, सिर्फ सरकारी आएंगी जो रैली वाली बसें हैं वही। तो मैं दिख रहा था यहाँ ना साफ़ सफाई हो रही है काफ़ी ज़ोरों शोरों से, हो चुकी है आप खुद ही देख सकते हैं, सड़क के ऊपर नीचे कहीं कुछ भी नहीं है। तो ये देख सकते हो शीतला ब्रिज जो तैयार किया हुआ है, सब महानुभावों की तस्वीरें यहाँ पे। तो यार काफ़ी सुंदर लग रहा है वैसे, तो चंबा बस स्टैंड के पास पहुँच चुका हूँ यार। मार्केट जो है सारे बंद है अभी तक, कोई भी एक भी शॉप किसी भी चीज़ की खुली नहीं है। तो चंबा में भी ऊपर शायद ऐसे ही होगा, चौगान के आसपास भी पूरा मार्केट बंद ही होगा। तो फिलहाल यहाँ पहुँचा हूँ, अब देखते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, मेरे 2-3 दोस्त भी आने वाले हैं, वो भी अगर मिलते हैं यहाँ पे तो ठीक है, उनका भी वेट करता हूँ जो। तो पूरा बस स्टैंड खाली है यार, जो हर दिन भरा हुआ होता था, आज एक भी बस नहीं है, सिर्फ
HRTC की बसें यहाँ पे जो आएगी रैली की, वही बस यहाँ पे लगने वाली है। तो मतलब हमारा यहाँ रुकने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, हम सीधा ऊपर चलते हैं। पहुँच चुका ऊपर यार लाल गेट के पास, गांधी गेट जिसे कहते हैं। तो ग्राउंड में पहुँच चुका है यार, कुछ तैयारियाँ काफ़ी ज़्यादा हुई है उम्मीद से बढ़कर ही, और ये मैं आपको भी दिखा पा रहा हूँ। सामने आप देख सकते हो सब सिक्योरिटी भाई साहब, हर कुछ ही है। मज़ा आने वाला का स्टेज है वहाँ उस तरफ, वहाँ तो अभी पहुँचा ही नहीं जाएगा। तो यहाँ लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए यार। सो गाइस यार अंदर स्टिके वगैरह लेकर, ये जो सेल्फी स्टिक है या जो भी कुछ है वो लेकर नहीं जा सकते हैं, सिक्योरिटी वालों ने साफ साफ मना कर दिया। कहा सिर्फ एक फ़ोन है उसको लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी कुछ भी लेकर अंदर जा नहीं सकते हैं। तो पता नहीं क्या होगा, अब इसको कहीं दुकान के ऊपर छोड़ देंगे, उसके बाद यार देखते हैं अंदर कैसा माहौल है। सबसे पहले अगर आगे कुर्सियों पर जाके बैठ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में काफ़ी पीछे से देखना पड़ेगा, तो वो तो मैं चाहूँगा नहीं, क्योंकि जिस काम के लिए हम आए ना आपको दिखाने के लिए, तो साक्षात जितने नज़दीक से हो सके उतने नज़दीक से हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो बस तो चेकिंग हो रही है, अभी हम लाइन में लगे हैं यार सब, मेरे आगे भी भाई है। किसे? सिक्के सिक्का बोले। अच्छा अच्छा, चांदी की चेन तो नहीं डाल रही है इसमें? पर्स वगैरह नहीं, कोई बात नहीं है। तो गाइस सिक्योरिटी की चेकिंग चल रही है यार। गाइस सिक्योरिटी चेकिंग इज क्लियर, सब कुछ हो गया, अब चलते हैं आगे। पीछे सिक्योरिटी की चेकिंग हो ही रही है, लेकिन हम फाइनल चेकिंग यहाँ के ऊपर भी है, तो यहाँ से भी जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में अब तक करीब 40 लाख किया गया है, 10 साल की अवधि पूरी कर चुकी सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। तो गाइस यार वक्त लगने वाला है अभी यहाँ पहुँचने में, अभी तो उमना से लाइव चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे हो रहा है। काफ़ी दूर हुआ है यहाँ, पीछे आ गया एक्चुअली, औरतों को बिठाया गया है, और हमें बहुत ही ज़्यादा पीछे हूँ। यहाँ से जूम करके दिखाऊंगा मैं आपको जितना दिखाया जा सकेगा, तो बाकी तो आप लाइव देख ही रहे हो। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे मीडिया वाले आगे, हम लोगों को आगे नहीं जाने दिया गया, ठीक है। ये जो पट्टी वाले हैं जिन्होंने हाथ में ली है, बेरन से निवेदन है ऊपर करके जरा अभिवादन का सहयोग करेंगे। चंबा जिला के जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के हमारे माननीय विधायक, माननीय मुख्य सचेतक और माननीय उपाध्यक्ष हिमाचल विधानसभा, देखते ही देखते यार पूरा चौगा जो है भर चुका है लोगों से, पीछे तक आप देख सकते हो, जहाँ तक नजरें जाएंगी ना वहाँ तक लोग ही लोग हैं हर तरफ से। और जो प्रधानमंत्री जी है वो उन्ना से अब रवाना हो चुके हैं चंबा के लिए, तो कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और उसके बाद तो फिर सामने मंच है यार, वहाँ पे भाषण होगा, मैं आपको सुना सकूँगा दिखाऊँगा तो क्या यहाँ से इतने दूर से, पर शायद दिखे भी टीवी में तो दिख जाएगा जितना भी दिखे। भारत माता की, बोलो भारत माता की, स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है। मेरा एक जो पंडाल में बैठे का स्नेह है, हम जी कह रहे थे इतना बड़ा मैंने जन सलाम कभी नहीं देखा चंबा की राजनीति में। बहुत बहुत बधाई आपको जिस तरह से, और कैमरा वाले से मेरा निवेदन है कि अब नारा लगाएंगे और सारा अपना कैमरा के बाद इसको कैद करेंगे। गजब है, गजब है, गजब है। तो आपने
कांग्रेस पार्टी के रहे पूर्व में कार्यकारी अध्यक्ष श्री हर्ष महाजन जी ने जो आज ऐतिहासिक चौगान में जो कांग्रेस के जो खुलासे किए हैं, मेरा युवा मोर्चा से निवेदन है कि जैसे अभी हर्ष महाजन जी ने जो कांग्रेस के जो खुलासे किए हैं आज चंबा के चौगान मैदान में, मित्र तो गाइस यार इस भीड़ को चेक करो, लाखों के हिसाब से लोग हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री को देखने के लिए मौजूद। पीछे तक पूरा सड़क श्री किशन कपूर जी, मान्य सांसद श्री इंदु गोस्वामी जी, सदैव से आपका स्वागत। मान्य राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी हमारे मध्यकर तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए। कोई नीचे बैठने को तैयार ही नहीं है, सब खड़े हुए वही पीछे देख लो। सचनों हजारों करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं हम हिमाचलियों को देने के बाद ऊना में वंदे भारत के विश्वास को आगे बढ़ाकर राष्ट्र सर्व जन हिताय मोदी जी का जय श्री राम की रीति नीति वाला भारत हमारे मध्य में बहुत स्वागत मानिए आपका। देवियों सज्जनों, नए भारत के समर्थ निर्माता राष्ट्र धर्म के परम अनुयायी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में, तालियों का एक मोहताज। हम आप सभी का आज के इस विकास उत्सव में स्वागत करते हैं। देवियों महोत्सव खड़ा कर आइए, माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करेंगे। जनतंत्र में जनविश्वास के पर्याय, लोकतंत्र में लोकप्रियता के दीवार की तरह खड़ा रहना, ये विश्वास दिखाया। शक्ति बनकर के साथ रहूंगा ये भरोसा देने आया। इतना विशाल कार्यक्रम करने के लिए और शानदार जानदार कार्यक्रम करने के लिए, और त्योहारों के दिन है, ऐसे त्योहार के दिनों में माताओं बहनों का निकलना कितना कठिन होता है, फिर भी हम हिमाचल वासियों को सौंपने के लिए अपने सामर्थ्य से संपूर्ण भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए हम सब हिमाचल वाले हृदय से आभारी हैं आपके। विकास के स्वर्ण लेख से स्वर्णिम हिमाचल के निर्माण को नई गति, नई ऊर्जा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब हृदय से आभारी हैं आपके। हमें वंदे भारत के विश्वास के साथ विकास पथ पर हमारा भी ले जाने के लिए।
इतनी ज्यादा भीड़ शायद ही आपने कभी देखी किसी रैली में यार, लग गया आज आपको दिखा दिया बहुत ही भयानक रैली की है। उम्मीद से पढ़कर इतने ज्यादा लोग थे ना, बहुत ही ज्यादा, मतलब हजारों में नहीं लाखों में कह सकता हूँ मैं, इतने ज्यादा लोग थे क्या ही बताऊँ यार। ये देखो भयानक भयानकता, जन आक्रोश देखो दोस्तों, मैं बताऊं मैंने पूरी जिंदगी में अपनी जितनी भी जिंदगी हुई है उतनी जिंदगी में इतने ज्यादा लोग आज तक कभी नहीं देखे एक साथ, मतलब तो देखो पीछे दिख रहा है दोस्तों, जिस काम के लिए आए थे वो मैंने आपको दिखा दिया यार। अगर ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताना है, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, सब कुछ करना है। फिलहाल अभी हमें जाना है घर, अब मैं थोड़ा सा यहाँ आराम कर रहा था, वहाँ धूप में ना तब के बुरा हाल हो गया, पहले ही काले ऊपर से इतनी गर्मी में 3-3 घंटे बैठने के बाद और बुरी हालत है यार। तो अभी कुछ सुबह से खाया नहीं था, कुछ खाते हैं जैसे कि समोसा लाइक ऐसे ऐसा कुछ भी ना, मोमो चाउमिन, और फिर चलते हैं घर। दोस्त आने वाले थे वो आए नहीं, अगर वो आते हैं कुछ आधे एक घंटे में तो फिर रुक जाऊंगा मैं, वरना नहीं आए तो हम घर चल जाएंगे। पसंद आया तो कमेंट करके बताओ, तब मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलविदा गाइस।